ये क्या हो गया माही, ये क्या हो गया है? नहीं हमारे बाथरूम ब्लॉक हो गया यार, तारी के बाद मिलती हूँ आज। बस ये हमारी छोटी सी तारी आज। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। एक बात बोलेगी ये, लेकिन बातें इतनी करेगी ना कि इसकी बातें खत्म नहीं होने वाली, बराबर ना? मोरी का हाल बताएगी आज। आज घर में काम हो रहा है, देखे रमजान में ये भी हाल होता है कभी कभी, इसको भी सफर करना पड़ता है। ये देखे यहाँ हमारे बाथरूम का हाल देखे, या अल्लाह माही, इसके आगे तो मैं नहीं जा सकती भाई, तू ही जा बेटा, मैं तो देख भी नहीं सकती अंदर आके। क्या हो गया है? ये क्या हो गया माही, ये क्या हो गया है? बस। तो क्या हो गया आज? आज हो गया ना टैंटेफिश, बाथरूम का काम चल रहा है एक्चुअली। माही 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 डांस रुक जाओ जरा तुम्हारा। अच्छा ये बस, चलो गरम भी बहुत हो रहा है, फिर चालू है, बोल रही रुकने के लिए। अरे जाओ बैठो। अच्छा अभी कितना टाइम बज रहा है बेटा? 1:30 बज गए, जोहर का टाइम हो गया, अजान हो गई है, अब नुमेर गए नमाज को, अभी माही जाएगी नमाज को, है ना बब्बा? आज बाथरूम का हो गया प्रॉब्लम। माही माही को ना नीचे वाले जो ओनर है ना, उन्होंने बात किए तो नीचे वाले रूम में माही जा रही है बाथरूम के लिए, है ना माही? है ना नीचे, अभी तक तो गई नहीं है। अच्छा बाहर देखे, गोनी देखे, पूरा जो बाथरूम तोड़े ना उसका रैबिट है ये सब निकला है। जो अभी घर के गैलरी में भी पूरा गंदा होने वाला, देखिए पूरी मट्टी 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 यहाँ भी होने वाली है ना माई? आज बड़ी मुश्किल में है आपकी मदीना अब्बा जी। तो चले अभी थोड़ी देर के बाद में मैं आपको बाद में बात करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद में बात करेंगे बेटा। चले नमाज पढ़ ले। अच्छा ये काम है ना जो अचानक ही, मतलब बात तो हो रही थी कि काम करना है बट आज होगा ये हम लोग को नहीं पता था, बट वो सुबह में 10 बजे आके उन्होंने बोला कि आज ये काम करेंगे, तो मैं फटाफट भी बच्चे और हम लोग सब नहा धो के फ्रेश हो गए और बाथरूम को फ्री कर दिया। टाइम हो गया है, हम लोग ने आज ज़्यादा कुछ भी नहीं, आज भी बस लाइटली खाली मैंने कांदे के थोड़े भजी बना दिए, चटनी आ गई है क्योंकि पूरा घर का काम चल रहा है, इसके लिए आज कुछ नहीं क्योंकि पूरा पसारा देखे वहाँ पर भी पड़ा हुआ है, पूरा पसारा वहाँ। देखे आपके माही यहाँ पे क्या कर रही है, गोनियों पे लेटी है मस्त। माही चल रोजा खोलने के लिए बेटा, बस हो गया टाइम, बस चले। हाँ अभी तैयार होगी वो और जाएगी डांस क्लास, उसे कल छुट्टी हो गई थी ना, अभी निकलेगी वो। चले फिर मिलती हूँ आपको इफ्तारी के बाद, मिलती हूँ आज। बस ये हमारी छोटी सी इफ्तारी आज। देख कहाँ है चप्पल, कहाँ है? पूरा खान हो गया है पूरा यार, आज बहुत मट्टी मट्टी हो गई है घर में। माही मिली चप्पल बेटा? नुमर जा बेटा, उसको छोड़ दे, कल तो छुट्टी हो गई थी। खोल दरवाजा खोल दे। काहे के लिए? साइकिल। अरे बाबा तू जा पहले इसको छोड़ के। तो काहे पे बोल रहा, साइकिल पे टूटे पंचर है ना कि साइकिल पे? फिर अच्छा ठीक है, संभाल के जा, फिर जाके जा, संभाल के जाके मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, ये देखिए सामान पूरा रेती सीमेंट से मंगा के रखे, और ये टाइल्स है, ये क्या है खड़ी, और ये सामान सब आ चुका है अभी, लेकिन काम नहीं हुआ अभी तो, बहुत काम बाकी है। ये देखिए कितना गंदा हो गया है, सुबह से मैं कितनी बार झाड़ू मार चुकी हूँ यार, ये ना थक गई अभी, बहुत रेती हो गई। देखिए अभी कितना दिन लगेगा, 2 दिन बोला उन्होंने आज और कल, अभी देखेंगे ये 2 दिन में करते, अभी कितने दिन में करते, क्योंकि मेरे को तो बहुत परेशानी हो रही है। देखिए पूरा बाथरूम मट्टी मट्टी, ये देखें धूल देख रहे हैं, और रेती सीमेंट का काम ऐसे होता है। अरे अल्लाह ये देखो, अरे अल्लाह पूरा तोड़ दिया इन्होंने पूरा, देखे देखो सुबह तक, एक दिन और बोला है देखेंगे। चले मैं तो थक चुकी हूँ बाबा। हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब ठीक होंगे।
मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी कितने बज रहे हैं, 10:30 बजे। आपके भाईजान अभी तरावी जाके आए और बैठे हैं मस्त में। माई भी डांस क्लास जाके आ गई, मतलब अभी ऑल टुगेदर सब कुछ फ्री होके बैठ गए। बट आपने देखे ना कि सुबह से घर में काम चालू है, मतलब बाथरूम का काम चालू है। तो भाई बाथरूम तो हो गया है ब्लॉक। हम लोग को हो गई अभी प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं भाई, बाथरूम ब्लॉक, हम ब्लॉक, हम ब्लॉक, बाथरूम ब्लॉक, हम ब्लॉक। तो वैसे तो नीचे जो है हमारे साथ में जो नीचे वाला रूम है वहाँ बात हो गई है, बाथरूम के लिए वहीं जाके आ रहे बच्चे। नुमेर तो बाथरूम में नहीं, कहीं किसी के घर में नहीं जाता, वो बाहर जा रहा है। माही जाकर आई नीचे के रूम में, आपके भाईजान भी बाहर ही जाकर आए, और मैं भी नीचे ही जाकर आ गई एक ही बार, ज़्यादा नहीं। इसके लिए पानी पीने के लिए थोड़ा डर लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा पानी पियो, ज़्यादा नहीं। तो कल का एक दिन संभालने का बोल रहे थे भाई, मैंने चलो ठीक है, अब एक बार सहरी में उठूंगी तो शायद नीचे फिर परेशान करूंगी एक ही बार, उससे ज़्यादा नहीं। पानी तो कम ही पी रहे अभी, क्या करेंगे, अभी बाथरूम का काम है तो अभी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को गुस्सा किस पे आ रहा है पता, वो जो जिसने पहले बाथरूम बनाया है ना फैस, ये जो बाथरूम एक्चुअली घर में ना वो नहीं था बाथरूम, खाली ना वॉशरूम था, वॉशरूम है ना। तो अभी ये मतलब हम ये देने के लिए ना वो लोग ने बाथरूम बनाया, बट बाथरूम बनाने के टाइम पे क्या गड़बड़ किया फैस, कुछ सामान था वो जो क्या डॉक्टर फिक्सिट वगैरह लगता है उसने डाला नहीं, जिसकी वजह से ना जो काम करना चाहिए था वैसा काम किया। तो वो जो नीचे वाला रूम है ना, जो हमारे से नीचे वाला रूम, वो लोगों की तरफ पानी जा रहा है, पानी जा रहा था। तो बस यही उनको तकलीफ हो रही, तो फिर जाहिर सी बात है ना यार, हमको भी मतलब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और रमजान का टाइम है, किसी के घर में पानी जाए नीचे से, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। तो ये बात हो रही थी, कम से कम एक हफ्ते से चल रहा था ये। वो लोग हम लोग को ना व्हाइट वाली सीमेंट भी ला के दिए थे, हम लोग ना पूरा साइड में अच्छे से भरे थे कि पानी रुक जाए, लेकिन नहीं रुका। तो वो भाई ने बोले कि ना तोड़ना ही पड़ेगा बाथरूम, तोड़ के बनाना ही पड़ेगा, वापस से तोड़ के पूरा बनाना पड़ेगा। तो चले ठीक है, बनाइए, तोड़ के बनाएंगे अभी। तो भी चले कल आई, आपको पता है ना कल हम लोग कहाँ जाके आए, माहिम की दरगाह, वहाँ पे रोजा खोले और बहुत थक गई थी। और फिर आज ये बाथरूम का काम निकल गया। तो सुबह से मैंने ज्यादा शूट नहीं करी है ना, आपने देखे दोपहर में भी शूट नहीं करी ज्यादा ना मजू। और बस तो बस इफ्तारी भी कुछ मतलब ज्यादा नहीं की हम लोग ने, तो बस अभी चल रहा है। आज कैसे भी निकला है दिन, आज का एक दिन खाना खा ली, हाँ खाना ही खाया हम लोग, ज्यादा नहीं इफ्तारी नहीं बनाई आज भी। तो बस आज अच्छा चले कल का कुछ, हाँ बोले बोले आपके लिए। हम लोग सोचे थे कि भाई अभी करने का है एंडिंग, मगर यहाँ तो बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते, अच्छा एंडिंग करने आई थी लेकिन स्टार्टिंग हो गई लग रहा है। ले चले ठीक है, आज दिन भर भी तो वैसे भी शूट नहीं करी, तो चले कल जो सामान लेकर आई थी वो दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे क्या मदीना मदीना बाजी मदीना आपका मदीना, आपने तो कुछ लेकर आए थे वो दिखाते ही नहीं हो। तो चले आज दिखाई देती मैंने क्या क्या लेकर आई थी, मैंने क्या लेकर आई थी वो दिखाऊंगी जरूर। तो ये देखिए, ये एक लेकर आई थी मैंने कल आने के टाइम पे दरगाह के पास ही, दरगाह के पास सॉरी बॉम्बे में मुझे मिला था है ना, बॉम्बे। तो यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा रेट ज़्यादा लग रहा था, तो वहाँ पे मुझे दिखाना, तो मैंने एक नहीं दो तीन ही ले ली। तो ये आदत है लेडीज को की कहीं अगर कुछ ऐसा मिले ना कि कहाँ भाई सस्ता दिख रहा है तो एक नहीं उठा लेते, दो उठा लेते। तो ये मुझे एक्चुअली ना ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था माई के लिए एक्चुअली। इंस्टाग्राम जैसा बाहर कुछ भी रील्स वगैरह बनाना होता है ना, तो मोबाइल में ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, और उसका शूट वगैरह के भी मुझे ये मुझे बहुत ज़रूरत थी। मैं आपको पता है एक बार मैंने देखी भी थी ना वीडियो में, मैंने डाला था एक जगह मैंने देखी थी तो ज़्यादा रेट बोल रहे थे, तो मुझे ये मैंने ले ली, वहाँ मुझे सस्ता मिल गया तो मैंने ले ली। तो मेरी चलो ठीक है, और कुछ है दिखाती हूँ। चले वो तो देख लिया आपने, मैंने भी देखा मोबाइल जो है ना मेरे, एक छोटा सा स्टैंड है मेरे घर पे, तो मैंने उसी पे लगा दी, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा था। तो एक और चीज़ लेकर आई हूँ, और एक ये अभी जो बोली ना हाथ दुख रहा था इसके लिए लेकर आई हूँ ये, मैंने अभी इसकी ओपनिंग भी नहीं की, लेकिन आपके भाईजान ही करेंगे। हाँ बताओ। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फी स्टिक। इतना हैवी भी नहीं, हल्का एकदम। ये देखिए ये लेकर आई मैंने सेल्फी स्टिक, मोबाइल रख के आराम से, मतलब ब्लूटूथ वाला है, सेल्फी स्टिक लाया है। क्या मोबाइल ऐसा कंटिन्यू जब हम लोग इसे हाथ में पकड़ते हैं तो ये हाथ के बहुत शोल्डर बहुत दुखते हैं, कंटिन्यू ज्यादा बात करने के टाइम पे मतलब ज्यादा होता है। अभी देखो मैं कितने देर से बात कर रही हूँ ना, तो अभी मेरे हाथ में शोल्डर दुख रहा, तो मैंने अभी छोटा स्टैंड था मेरा उसमें लगा दी। अब ये देखिए तो ये रहेगा तो मुझे ज्यादा कम्फर्टेबल हो जाएगा। हाँ इतना बड़ा है, देखो फुल साइज है, मतलब ये कहीं जाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ है ना बज्जू, बताओ 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 ये
अच्छा ये जो है ना ये नुमेर के लिए, हाँ नुमेर के लिए मुझे बोला था मम्मी, बहुत दिन से बोल रहा है ये मम्मा मेरे को है, हाँ बहुत दिन से बॉक्स निकालने में थोड़ी जाता है, मुझे नुमेर बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मा मुझे ये चाहिए एयरफोन, ये रहा वायरलेस ऑटो पावर, वायरलेस ऑटो पावर, ये ब्लूटूथ वाला एयरफोन चाहिए था उसको, काफी टाइम से बोल रहा था मुझे, ये देखे तो ये ले लिया मैंने एक, और ये चालू भी हो गया हाथ लगाए तो, ये काफी टाइम से मेरे को नुमेर बोला था कि मम्मा मुझे ये दिला दो ना, तो मैं भी चलो उस दिन मैं कल गई ना तो मुझे दिखाना, तो मैंने ये भी ले ली, वो भी ले ली, वो भी ली, और ये मुझे तीनों चीज़ पता है कितने में मिली, कल तो आपने देखा ना रेट, ये और सेल्फी स्टिक और नुमेर का जो ब्लूटूथ वाला एयरफोन, तीनों मुझे मिला 1200 में। कैसा लगा रेट, सही है कि नहीं है, क्या ज़्यादा देख के आ गई, कॉमेंट करके बताना कि ज़्यादा तो नहीं देख कर आ गई, कि मुझे तो सही लगा। तो फिर नुमेर मेरे को बोला था मम्मा ये जो है ना लेकिन मशीन के साथ है ना, हाँ, ये मशीन के साथ है लेकिन विदाउट मशीन नहीं है, मशीन भी है, 850 रुपए का था, ये 850 का था, अभी हम लोग तीनों का बार्गेनिंग किए ना तो तीनों हमको 1200 में वहाँ पे मिला, तो मैंने चलो ठीक है अब ले लिए तो ले लिए, अभी निकलते, हालांकि वो काम के लिए नहीं गई थी, कुछ और काम के लिए गई थी, हाँ आप लोग को वो तो बताना था कि काम क्या था। एक्चुअली मैं कल गई थी बॉम्बे, काम क्या था वो तो डियर आई एम सो सॉरी मैं शायद नहीं बता सकती, क्योंकि कोई चीज़ अगर मेरे से जो भी चीज़ें हैं ना मैं आप लोगों में शेयर करती हूँ, लेकिन अगर कोई बात अगर किसी और से जुड़ी हुई होती है ना तो वो शायद मैं आप लोगों से अपने शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरी लाइफ आप लोगों की है, ये मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, मेरी लाइफ आप लोगों की है, बिकॉज मैं इतनी भी नहीं है थोड़ा पर्सनल रहने देना, है मेरी लाइफ आप लोगों की, क्योंकि मैं आप लोगों की हूँ, बच्चे मेरे आपके हैं, हस्बैंड तो मेरे हैं, बच्चे आप लोगों के, हाँ आपके भाई आप लोगों के, फैयाज भाई आप लोगों के, तो बट कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो शायद नहीं कर सकती मैं वीडियोस पे, सही बात है ना, तो बस ऐसे कुछ काम के लिए कल गई थी जो काम तो नहीं हुआ बट ये सब ले लिया, तो लेकिन मखदूम बाबा के पास जाके ज्यारत हो गई वहाँ पे बैठ के, हाँ हाँ ज्यारत हो गई, एक्चुअली अंदर जा गए इसलिए नहीं कि वो रोड का पूरा काम चालू था ना, हाँ वहाँ पे काम भी चालू, उन्होंने देखा था ना कंस्ट्रक्शन में भी काम चल, आपको पता है ना, अंदर भी जाने नहीं हुआ, गाड़ी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, और फिर ज्यादा आपकी बाजी उतना नहीं मेरे लिए नहीं होता, डिस्टेंस चलने भी बोले तो बहुत भारी पड़ जाता, बैसाखी लेके भी अगर चलने के लिए सोचती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, मुश्किल होता था, और अगर नुमेर होता तो शायद बात अलग होती ना कि कुछ सामान पकड़ लिया, हाँ अभी हम लोग तीनों से तो नहीं होता था, आपके भाईजान माई को देखेंगे क्या, मेरे को देखेंगे क्या, मुझे लेके जाएंगे, नुमेर रहता तो माई को देख लेते हैं सामान वगैरह, तो सोचते हैं देखो दरगाह तक गए और हाजिरी नहीं दी है, लेकिन बाहर से तो दे दिए ना, बाहर से हाजिरी दे दिए, सलामी दे दिए, सलामी दे दिए, दीदार कर लिया हमने, बहुत बड़ी बात, इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो अंदर मतलब वैसे भी लेडीज लोग इतने अंदर तो नहीं जाते, लेकिन आपके भाईजान चले जाते ना थोड़ा ज्यारत हो जाती है, अच्छा लगता है, लेकिन नुमेर नहीं था ना तो और थोड़ा कमी कमी लग रही, कल इफ्तारी वहाँ बैठ के खोलने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सच में, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इतनी खुशी हुई ना कल आने के बाद भी, बस मेरे दिल में दिमाग में ऐसे चल रहा था अल्लाह मैं क्या सोच के निकली थी, मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं वहाँ पे रुकूंगी, मैं वहाँ पे रोजा खोलूंगी, सच में बोल रही मैंने नहीं सोची थी, बट क्या है पहुँच गए वहाँ पे और रोजा वहीं खोले, अच्छा लगा मुझे, बट रात में आने के बाद में बहुत हालत बुरी हो गई सच में, सोचे ना आप सुबह में 11 बजे से बाइक पे बैठी थी, रात को कितने बजे 9 बजे तक, पूरे 10 घंटा बाइक पे, आपकी मदीना बाजी, आपकी मदीना पर 10 घंटा बाइक पे, हाय अल्लाह मेरी हालत क्या हो गई थी मुझे पता है, हाय अल्लाह मेरी भी हालत क्या हो गई थी, बाबा तुम्हारी क्या हो गई थी, मेरे तो हाथ पांव सब, नहीं सही में जय में ये मैं मानती हूँ कि जब अकेला इंसान बाइक चलाता है ना तो उसको इतना वो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन साथ में जब अगर 2 जन हो और 3 जन हो और साथ में सामान हो ना तो वो बंदे का फीलिंग समझ सकती हूँ, मेरे साथ 3 जन को संभालना है तो कैसा, मैं थी सामान था माही थी मेरी बैसाखी थी, तो सोचा कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा इनको मुझे भी पता है, तो चले अभी ब्लॉग को मैं इधर एंड करूँ, आप लोगों को मैंने सामान दिखा दी मैंने क्या लेकर आई, ज्यादा नहीं खींचूंगी, घर का काम चालू है मेरा, बाथरूम का काम, अभी हम लोग एंड करेंगे ब्लॉग को, भी एंड करेंगे, आपके भाई को शायद नींद आ रही है आज इनको, क्योंकि रात में कल जल्दी मतलब लेट सोए फिर सहरी में उठे फिर ये उठ के गाड़ी पे गए, तो मतलब अभी इनको नींद तो आएगी ना, जाहिर सी बात है ना, बंदे को सुबह से लेके गाड़ी पे गए, नहीं हमारी बाथरूम ब्लॉक हो गया यार, ये न्यू रूम का क्या मगजमारी है, न्यू रूम में बाथरूम ब्लॉक हो गया, हाय अल्लाह अभी पब्लिक खुश हो जाएगी, हाय अल्लाह मदीना का बाथरूम सब नहीं खुश होएगा, लेकिन जो खुश होएगा वो तो बोलेगा हाय अल्लाह बहुत मजा आई ब्लॉक बाथरूम ब्लॉक हो गया, चले कुछ नहीं यार एक दिन का काम है, इंशाल्लाह कल हो जाएगा बाथरूम खुल जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे लेकिन एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि ओनर ने जो है ना नीचे वाली जो रूम है ना हमारी जो नीचे जो मेरे नीचे के रूम में रहते हैं उनसे बोल दिया था कि इनको बाथरूम के लिए एडजस्ट कर लेना, तो जाहिर सी बात है ना यार एडजस्ट तो करेंगे, एक दूसरे के साथ में पड़ोसी बन गए अभी तो एडजस्टमेंट तो करेंगे, बाकी चले अभी हाँ बोले कहेंगे हम आपसे, तो हमारे
चैनल को आप क्या कीजिएगा? लाइक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। एज वेल एज शेयर तो करना भूले ना बिल्कुल भी यार। शेयर तो बोली कि नहीं बोली यार आपके भाई ने? बोले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूले, ताकि वीडियोस मिले ना आपको। जब तक आप बेल आइकन दबाओगे नहीं, जब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और साथ में इंस्टा पे फॉलो करें, इंस्टा पे आए जरा, इंस्टा पे आपके भाई के अच्छे अच्छे रील्स डाला है मैंने, तो इंस्टा पे फॉलो करें। और चले फिर फॉलो कीजिए इंस्टा पे। चलो भाई आ जाएगी, चले ब्लॉग एंड करेंगे। तो चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक दुआ में याद रखे, अल्लाह हाफिज़।